हमारे उदार मुख्यमंत्री जी और उससे भी कहीं उदार इनके पास पूरा कोष है, आदरणीय वित्त मंत्री जी, ये देने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं कोई एक दो चीज नहीं मांगूंगी, मैं जब जब मांगूंगी, आप सब जब जब मांगेंगे ये जरूर देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अंत में अमृत काल में सर्वत्र अमृत बरसाने वाले हमारी पार्टी का तो मूल मंत्र ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वित्त मंत्री जी का भी यकीन इसी में है, इसीलिए उन्होंने, मुझे लगता है कि हम जो कहते हैं कि हयात लेकर चलो कायनात लेके चलो, हयात लेकर चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की गंगा को बहाने का काम किया है। प्रदेश के विकास के चार पांच मानक होते हैं, प्रदेश का औद्योगिक विकास हो, प्रदेश का शैक्षणिक विकास हो, प्रदेश का आर्थिक विकास हो और प्रदेश का सामाजिक विकास हो। पर अफसोस, भाजपा के पूर्व की सरकारों ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। जब ये शासन में थे तो केवल स्वनिहित स्वार्थ में व्यस्त थे, मजबूर थे प्रदेश का विकास कर न सके। और जब आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आर्थिक मोर्चे पर, शैक्षणिक मोर्चे पर, स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर, कानून व्यवस्था के प्रश्न पर, अंत्योदय के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इनसे देखा नहीं जा रहा है। गूंगे बता रहे हैं कि मेरा किरदार है गलत, गूंगे बता रहे हैं कि मेरा किरदार है गलत, बहरों को यह गुमा है कि गलत बोलते हैं। आप मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की आलोचना कर रहे हैं, पर अफसोस है मुझे कि आपके ये इरादे, ये प्रयास निरर्थक सिद्ध होंगे, क्योंकि लोगों ने कई बार कोशिश की मुझे मिट्टी में दबाने की, लोगों ने कई बार कोशिश की मुझे मिट्टी में दबाने की, उन्हें मालूम नहीं मैं बीज हूं, मुझे आदत है बार बार उगाने का। यही कारण है कि चाहे कितनी भी साजिशें रची गई हो, सारे जाति धर्म संप्रदाय के सियासी समीकरणों को ध्वस्त करते हुए योगी जी ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह करिश्मा भी हर बात की तरह पहली बार कर दिखाया, जब 37 वर्षों बाद किसी सरकार को दोबारा से प्रदेश की जनता ने काम करने का अवसर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में कानून का राज कायम किया, माफियाओं, गुंडों और दंगाइयों के आतंक से जन सामान्य को राहत दिलाई है, नए रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ, प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया गया, महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करके उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का काम किया गया, प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं के रूप में 1,85,00,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है, और माननीय वित्त मंत्री जी ने इसके लिए 291 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है। वर्ष 2022 में बिजली की आपूर्ति से हमारा उत्तर प्रदेश प्रस्तावित की गई है। महोदया, आज निर्बाध बिजली की आपूर्ति से हमारा उत्तर प्रदेश रात में चांद सितारों जैसा झिलमिलाता है। माने मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, किसान सम्मान निधि के सम्यक बजट प्रस्ताव से उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान, उसका गांव, उसका खलिहान, उसका चौबारा बड़े शिद्दत के साथ मुस्कुराता है। माने यूनिफॉर्म में, माने विधायक जी, समय पूरा हो गया है। अभी तो आप जब से बैठी नया समय जुड़ गया महोदय। नई यूनिफॉर्म में, कापी किताबों से सुसज्जित बैग और नए आत्मविश्वास से नन्हे नन्हे पैरों में जब जूते मोजे पहनकर प्रदेश का बचपन बैग टांगकर स्कूल के लिए चलता है, तो हमारे देश और प्रदेश का भविष्य खिलखिलाता है। प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुत्थान के अभियान के साथ
जब उत्तर प्रदेश शंखनाद करता है तो सारी दुनिया पर हमारी सांस्कृतिक चेतना का जादू छा जाता है। लेकिन विपक्ष का काम तो केवल विरोध करना है, और वो आपको करते भी रहना चाहिए। निकालते रहो मेरे किरदार में नुक्स, निकालते रहो मेरे किरदार में नुक्स। तुम नहीं होगे तो हमें तराशेगा। वास्तव में भाजपा के पूर्व की सरकार बड़े दावों और वादों के साथ आई थी। पूरे हुए वादे और अब है नए इरादे का नारा देने वाले घोषणा पत्र के अनगिनत दावों से और वादों से मुकर गए थे। तभी तो दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां अतुल भैया मुझे याद आती हैं कि कहां तो तय था, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहां एक दिया भी मयसर नहीं था पूरे शहर के लिए। गवर्नेंस के हर पहलू पर हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में समयबद्ध रूप से की गई प्रभावी कार्यवाही के कारण आज उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, स्वच्छ शौचालय निर्माण, स्वच्छ लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में और PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में धनराशि हस्तांतरण कराने में, इन सारी चीजों में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना चीनी उत्पादन, कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीनेशन प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश अंतर्गत पंजीकरण कराने वाला समय पूरा बिल्कुल मैडम लास्ट लाइन है। मैं जानती हूँ मैं अनुशासन में रहती हूँ, ये बात न होती तो शायद ये भी बात मेरी हो जाती। सबसे बड़ी बात अपराधियों के हौसले पस्त करने में ये साथ देते हैं हमारा। अपराधियों के हौसले पस्त कर जंगल राज समाप्त करके योगी जी ने यूपी में कानून का राज कायम किया है। प्रदेश में प्रयागराज की घटना पर योगी जी का सीधा आर्डर, शुरू हो गया अपराधियों का इनकाउंटर। मिट्टी में मिलाने की जो शपथ उन्होंने ली थी इस पवित्र सदन के अंदर, वो आज दिखाई दे रही है। अभी तो एक का काम तमाम और बाकी का है इंतजाम। जहां तक क्षेत्र के लिए कुछ मांगने की बात है महोदया, तो सभी लोग मांगते हैं और मुझे लगता है बहुत कुछ सबको मिल रहा है। मांगने की कोई सीमा नहीं, मुझे पता है हम जब भी मांगेंगे हमारे उदार मुख्यमंत्री जी और उससे भी कहीं उदार जिनके पास पूरा कोष है आदरणीय वित्त मंत्री जी, ये देने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं कोई एक दो चीज नहीं मांगूंगी, मैं जब जब मांगूंगी, आप सब जब जब मांगेंगे ये जरूर देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अंत में अमृत काल में सर्वत्र अमृत बरसाने वाले अमृत बजट का अपनी विधानसभा और अपने प्रदेशवासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और माननीय वित्त मंत्री जी को एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप इसी प्रकार से वित्त मंत्री के रूप में और ऊपर भी जाएं, लेकिन जब तक आप वित्त मंत्री हैं तब तक आप जो है हम लोगों की जो मांगे हैं अच्छी तरह से सब मिलकर मांगते हैं उसे भी आप पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।